ये कर रहे हैं। ये जो असल मुद्दा वो एक धर्म के नाम के उत्ते बड़े डेरे वालों जड़े लोग मरण तो बाद स्वर्गों के झासे देंदे ने उन्होंने इत्थे की कुछ किया है उहदे बारे दसना चाहवांगा। ये सब तो पहला इत्थे एक गुरद्वारा साहब सी जिहदी जमीन सी अठ कनाल ते सत वरले जिथे के डेरा राधा स्वामियों का इत्थे पहला कोई नामो निशान नहीं सी। 1927 दे विच गुरद्वारा साहब के नाते जमीन कराई गई ते इत्थे जिहड़ा सी वो गुरुद्वारे की सेवा संभाल करने वास्ते एक आदमी होंदा। जे इन विस्तार जावांगा तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट जिहड़ा वो तुहानूं दसना चाहुंदा है कि मौजूदा डेरा मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों राधा स्वामी ब्यास इलाका इत्थे इन्हें किस तरह जमीन जिहड़ी आ वह लोगों की रद्द की आ। सब तो पहला 1983 दे विच 117 कना एकड़ कुछ मरले जमीन जिहड़ी आ वह पिंड बालसराय की 283 एकड़ जमीन जिहड़ी आ वह बड़ैच पिंड की पंचायत की दोवां पिंडां दी पंचायती जमीन जिहड़ी सी वह लैके ते अपने रसूख दे नाल इह पिंड एक नवां पिंड जिहड़ा सी वह क्रिएट कीता गया जिस पिंड का नाम रखा गया डेरा बाबा जैमल सिंह। सो इस तरह सब तो पहला 400 एकड़ तो वध रकबा जिहड़ा है वह 1983 दे विच हड़प कर लिया। उस तो बाद फिर इन्होंने की किया कि एक डेरा बाबा जैमल सिंह ते बड़ैच पिंड की जमीन का तबादला किया। जिहड़ी तबादले विच दित्ती वह 47 कनाल 16 मरले ते उहदे तबादले विच जो लई वह 42 एकड़ ध्यान नाल सुनियो जिहड़ी डेरा बाबा जैमल सिंह जमीन लैंदा तबादले विच वह 42 एकड़ लैंदा ते जिहड़ी देंदा वह 47 कनाल 16 मरले, लेकिन जिहड़ी जमीन दित्ती आ वह हवा च है, वह जमीन है नहीं मौके ते। यह मैं सारा कुछ जिहड़ी गल कर रहा मैं अपनी जिम्मेवारी नाल जो कि रिकॉर्ड दे विच मैं लिया इहनां कोलों उहदे हिसाब नाल। सो उस टाइम ते 42 एकड़ जमीन जिहड़ी आ उस टाइम दे उत्ते हड़प कर ली। फिर उस तों बाद जिहड़ी इत्थे बड़ैच पिंड की पंचायती जमीन है उहदे विच इन्हां ने 80 एकड़ जमीन का तबादला किया जो कि 80 एकड़ा का 16 किलिया नाल तबादला किया। उहदे विच जदों मैनू पता लग्या ते मैं उस टाइम दे उत्ते दरखास्तां जिहड़ियां शुरू करतीयां पिंड दे कुछ बंदे मेरे कोल गए वह सारे मेरे को सबूत ने उन्होंने लिखती मैनू एफीडेविट दित्ते भी सही कुछ कर नहीं सकते तुसीं करो। सो उन्होंने मैनू एफीडेविट दित्ते ते मैं उहदी पैरवाई कीती ते वह जिहड़ी जमीन का तबादला हो रहा सी 16 एकड़ का 80 किलिया नाल वह तबादला रुक गया। इन्होंने फिर की किया कि उस जमीन हड़प्पण वास्ते इन्होंने उन्होंने बोली दे राही वेचण दे वास्ते स्कीम बना ली। जदों उहदी इश्तिहार निकलिया बोली होनी सी ते मैं हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट पहुंच के जदों मैं पटीशन पाई ते उहदी जिहड़ी बोली सी रुका दित्ती भी इह जिहड़ी जमीन है इह कौड़ियां दे भा जाणी आ जमीन ते पहला कब्जा डेरे दा ते इह इक फॉर्मैलिटी करके ते इहदा जिहड़ा उह कब्जा लै। सो इसे तरह बालसराय की जिहड़ी आ वह भी 300 एकड़ के करीब बालसराय की जिहड़ी जमीन है उत्ते भी इन्होंने नजायज कब्जा कर लिया। और मैं दसना चाहूंगा तुहानू कि इहदे विच इन्होंने जिहड़ी बालसराय की जिहड़ी जमीन है वह आ सारे का सारा रिकॉर्ड है मेरे को जो कि मैं इन्होंने कोलों आरटी दे चलिया ते इन्हां कोलों पुछया भी कि इन्हां पिंडां की जिहड़ी जमीन है इन्हां दी बोली कदों हुंदी आ आ वह सारा रिकॉर्ड है जिहड़े कि आ तुसीं देख सकते हो कि पंचायत विभाग दीआं जिहड़ियां ने आ जिहड़ियां कारवाइयां सी जिहड़ियां सरपंच ने कारवाइयां पाईआं सी आ सब कारवाइयां ने। सो इहदे विच इह पिंड आउंदे ने जिवें कि बड़ैच जोधे डेरा बाबा जैमल सिंह शेरों नगा शेरों बाघा खानपुर बताला ब्यास बालसराय बुढ़ाथे की जिहड़ी जमीन है वह 3800 कनाल है 3800 कनाल एक मरला। इस तरह तुहानू पहला बालसराय की बड़ैच की दस ही दिती है
बाकी पिंडा दी भी किसी की 50 एकड़ किसी की 100 एकड़ इस तरह योधे पिंड जिहड़ा है उहदी भी जमीन ते जिहड़े पारले पिंड ने जिहड़े कि ये जिहड़े मैं पिंड पहला गिने ने इहदे विच कोई 18 पिंड ने जिहड़े दसे तां तुहानूं 8-10 पिंड ही ने लेकिन होर भी पिंड ने इहदे विच 18 पिंडां दे करीब हैगे ने तहसील बाबा बकाला ते जिला अमृतसर इहदी जिहड़ी जमीन है पंचायती जमीन ये जो मेरे अंकड़े मैं कढ़े ने उहदे हिसाब नाल ये 1700 एकड़ जमीन जिहड़ी आ पंचायत दी बनदी आ। इस तरह जिहड़ा जिला कपूरथला है उस दे पिंड भी जिवें कि ढिलवा मंड बताला चक्को कि इस तरह अगे पिंड चले जाते हैं 7-8 पिंड उधर दे ने उधर दी भी जिहड़ी जमीन है वह 500-600 एकड़ जमीन जिहड़ी आ वह पंचायत दी है और जिन्ने इन्हां पिंडां दे विच गुरद्वारे ने वह भी सारे ने गुरद्वारे जमीन और इन्होंने जिहड़ा दरिया ब्यास आ कुदरती वहा जिहड़ा वह बदलता है इन्होंने बहुत लंबा जिहड़ा कंक्रीट पा डूंघियां कंक्रीट पा के इन्होंने दरिया दे विच बंध बना के जिहड़ा दरिया का कुदरती वहा सी वह ढिलवां साइड ते करता ते इधर जिहड़ा करीब 4 किलोमीटर की चढ़ाई 18 किलोमीटर की लंबाई इन्होंने जिधरों पानी आउंदा उस साइड नूं जिहड़ा जलंधर अमृतसर मेन हाईवे रोड है उस तो जिधरों पानी आउंदा उस साइड ते इन्होंने बन बना के इत्थे बहुत 1000 एकड़ की जिहड़ी जमीन है उत्ते इन्होंने जिहड़ा नजायज कब्जा किया। और इस दे नाल मैं तुहानूं एक गल होर दसनी चाहवांगा कि जिहड़ी सब तो एक अजीब गल है वह है कि इन्होंने पंचायती जमीन दीआं जिहड़ीआं ने उह कब्जे भी कीते रजिस्ट्रियां भी कराईआं ने जिवें कि बड़ैच जोधे पिंड की 31 कनाल 2 मरले जमीन है उहदी इन्हां ने जिहड़ी आ रजिस्ट्री करवा ली है और जो रजिस्ट्री आ उस रजिस्ट्री असी उहदे संबंध च दरखास्तां दित्तियां कि यह जिहड़ी जमीन है यह पंचायत की है ते पर इन्हां ने इस जमीन दे जिहड़ी आ उह नजायज रजिस्ट्री करवाई हुई है और उस रजिस्ट्री के संबंध में जदों असी दरखास्तां दित्तियां और मैं ये भी तुहानूं थोड़ा जिहा इस गल बारे भी दसना बड़ा जरूरी है कि मैं 2008 दे विच इत्थे आउणा शुरू कीता वो भी इस मैनूं जो पता लग्या कि उस टाइम ते सरदार दविंदर सिंह भंगू जिहड़े कि पंजाबी ट्रिब्यून दे पत्रकार मशहूर पत्रकार ने वो तरइये तो पंजाबी ट्रिब्यून दे इस तरह रजिंदर रिखी उन्हां दोवां ने जदों उत्थे जा के कवर करनी ही कि पिंडां दी जिहड़ी इधर बड़ैच पिंड की जिहड़ी जमीन है उत्थे बहुत डूंघे खड्डे जिहड़े सी पट्टे जा रहे सी और लोगों के जिहड़े मकान सी उत्थे उन्हां दे लगभग 30-30 फुट जिहड़े डूंघे खड्डे पड़ते उत्थे कवरेज करन वास्ते गए ते इन्हां ने उत्थां दी बहुत ज्यादा कुटमार की और जिहड़े उन्हां ने हालात सी उन्हां दे वह वेखे नहीं जा सकते। यह जदों मैं अखबार च खबर पढ़ी तो मैं खबर पढ़ के ते फिर मैं इत्थे भंगू साहब का पता उन्हूं भी मिलिया ते जो रजिंदर रिखी है उन्हूं भी मिलिया बाकी पत्रकारां नूं भी मिलिया ते सारयां ने इको ही गल जिहड़ी सी उह दसी ते उह जिहड़ी सो इत्थे मेरा आउण जाण बणिया ते फिर मैं सारे पिंडां दी जदों पड़ताल कीती ते इह दोवां जिहड़ियां दे नाल जिहड़ा रकबा संबंधित है जिहते कि डेरा ब्यास दा बहुत वड्डे पद्धर ते कब्जा है जिवें कि आ मेरे नाल बैठे ने इधर आ गए ने अमनदीप ढिलवा पिंड तो ने इन्हां दी मालकी जमीन है इस तरह नंबरदार ढिलवा दे उन्हां दी मालकी जमीन ते तुहानूं इह भी पता होगा कि जदों मेरे वल्लों मेन हाईवे रोड दे उत्ते 2019 च धरना लाया गया सी डेरा राधा स्वामी दे खिलाफ ते उस टाइम ते डेरा राधा स्वामी इत्थे मैनूं धमकियां देण आया लेकिन उस टाइम दे उत्ते इन्हां दीआं धमकियां दा तां मेरे ते कोई असर ना हैगा लेकिन DSP बाबा बकाला वह पता नहीं इन्हां दा किन्ना क चहेता है उस बंदे नूं अज तक उहदी पड़ताल कीती जाणी बनदी है कि वह बंदा इत्थे रहिंदा और उदों भी इत्थे सी जदों इत्थे कॉन्वेंट स्कूल दे विच एक 7 साल दी लड़की नाल बलात्कार होया सी ते उस केस नूं भी उहने खुर्द-बुर्द कीता सी उस बंदे ने मैनूं फड के ते जेल च बंद कर दिता और उस तो बाद जिहड़ी इत्थे SDM सी उस SDM ने भी पूरी वाह लाई कि तुसीं माफ़ी मंग लो अगे तो नहीं आएगी ते मैं तैनूं छड्ड देणी आ
लेकिन मैं उत्ते माफी नहीं मंगी। आ मेरे को वो केस की कापी भी है जिहड़ा कि 27 दिन जेल च रखा और जेल च रखने तो बाद अखीर जदों वेख्या कि कुछ नहीं हुंदा तो फिर मैनू वो सात पंजा के कलंदर चो बाकी सात समेत जिहड़ा सी वो रिहा किया गया। सो मेरा कहने तो भाव आ कि अज असी प्रेस मीटिंग इस करके की आ कि परसों साडी किसान जथेबंदियां दी सीएम साहब भगवंत सिंह मान ते जो कि पंचायत मंत्री ने धारीवाल साहब उन्होंने नाल साडी मीटिंग हुई सी ते उस मीटिंग दे विच असी एक गल रखी सी कि तुसी पंचायती जमीनां दे जिहड़े कब्जे लै रहे हो असी उस च कोई दखलअंदाजी नहीं करदे, लेकिन जिन्हां लोकां ने 1904 दे विच जिहड़ियां जमीनां ते पैसे दे चुके ने ते उन्हां लोकां कोलों भी जमीनां दे कब्जे जिहड़े आ लै जा रहे ने ते इह गलत है। उत्थे उन्हां कहा वी तुसीं सानूं साथ दिओ जिहड़ियां पंचायती जमीनां असीं खोह रहे मतलब कि जिहड़ा उन्हां दे कब्जे नजायज़ कब्जे छडा रहे आ तुसीं इहनां नूं साथ दिओ ते असीं इह जिन्हां दे नाल धक्का हो रहा उन्हां दे तुसीं सानूं डाकूमेंट लगाओ ते असीं धक्का नहीं किसे नाल करांगे। इह सीएम साहब ते जिहड़े पंचायत मंत्री ने धारीवाल साहब उन्हां दोवां ने साडे नाल वादा कीता ते फिर उत्थे मैं इह गल कही सी, मैं कहा कि जे भाई तुसीं पंचायती जमीनां ते कब्जे छडाउणे आ ते सब तो पहला फिर जिहड़ा गुरिंदर सिंह ढिल्लों मुखी डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास जिन्हें 22,000 एकड़ जमीन के उत्ते चार छपेरे नजायज चार दवारियां कीतियां ने, दरिया के बन बने ने, दरिया का बहा बदल दिता है ते उहदे उस एरिए दे विच कोई भी बंदा जिहड़ा अंदर नहीं जा सकता ते सब तो पहला फिर जे जमीना छडाउणियां ते उहनां दीआं छडाओ। सो ओ जमीना जिहड़ियां ने ओ छडाउण वास्ते जिहड़ा ओ सानूं मंत्री साहब ने कहा कि मैं आ जिहड़े तुहानूं विखा रहा आ तुसीं वेख सकदे हो कि यह सारा जिन्ना भी रिकॉर्ड है आ सब फर्दां जिहड़ियां ने यह पंचायती जमीना दीआं ने ते इह ओ जमीना ने जिन्हां जमीना दे उत्ते डेरा राधा स्वामी वल्लों नजायज़ कब्जा कीता ते चार दवारी जिहड़ी कीती होई आ। तुहानूं इह पता होएगा तुसीं कल दीआं खबरां वी देखियां होणगीआं कि इत्थे जिहड़ा जोधे पिंड दे विच उत्थे चार दवारी करके ते इक गेट ला के ते जबरदस्ती जिहड़ा सी कब्जा कीता फिर पिंड दे लोकां ने ते इक पंचायत किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिहड़ी आ उन्हां ने फिर जिहड़ा सी उत्थे धरना दे के ते उह जिहड़ी आ उह जिहड़ा गेट भी खुलवाया ते जिहड़ी जमीन। और सब तो पहला मैं भी तुहानूं दस्सना चाहांगा कि मैं हाई कोर्ट दे विच जिस तरह के बाल सराम दे स्कूल दा पहला इत्थे इह जबरदस्ती कब्जा लै रहे सी ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਬਾਲਸਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੋਧੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਮਰਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਉਹਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਰਗਣ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਮਰਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੋਏ ਨੇ
कि यह जी तार फेंसिंग की चार दवारी की यह बिल्कुल नजायज है। सो ये सारे का सारा जो रिकॉर्ड है ये मंत्री साहब के कहने उत्ते साड़ी जी 23 तरीक न सोमवार को मंत्री साहब के नाल पंचायत मंत्री मीटिंग है ते ये सब जिन्हिया फरदा ने आप तुसी देख रहे हो कि अलग अलग 22 पिंडा दी फरदा ने जड़ा कि यह सारे का सारा रिकॉर्ड जड़ा ये मैं मंत्री नूं देने वास्ते जा रहा। उम्मीद है कि पंजाब सरकार जिस तरह पंचायती जमीना के कब्जे छडाउणे शुरू किए ने बहुत चंगी गल है। उहदे नाल नाल मैं ये भी कहांगा कि जिन्हां लोगों ने जमीना आबाद कीतियां ने उन्हां लोगों का रिकॉर्ड वेख के उन्हां किले किले डेढ़ डेढ़ किले के जिहड़े काबज लोग ने जिन्होंने लंबा समा उन्हें जमीना की पहले आवाज की फिर वाहे आ रहे हैं इथों तक क्या कही ने पैसे भी दिते हुए ने 1904 का सा केस आया जिन्हें कि 1904 के वड वडेर ने वह जमीन के पैसे तारे से। सो उन्हों जमीन के कब्जे का ना ले पर जिन्होंने पंचायती जमीन लोगों ने कब्जे किए ने वह जड़े कब्जे जड़े छडाने चाहिए ने सब तो पहला मैं कहूंगा कि शुरुआत जी डेरा ब्यास तो होनी चाहिए है तो जो नवा चंडीगढ़ जड़ा बनिया मोहाल चंडीगढ़ के नाल मोहाली के नेड़े नेड़े जड़िया उ जड़िया जमीन ने उन्होंने जमीन के भी जड़े वो कब्जे जड़े ने बड़े मगरमच्छ ने जड़े जिस तरह बादल ने कैप्टन ने उन्होंने पंचायती जमीन से जड़े वो कब्जे किए ने बड़े बड़े अफसर ने भी किए कब्जे जड़े छड़ाए जाने चाहिए ने। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी।